हेलो एवरीवन, वेलकम टू थ्योरी ऑफ फैब्रिकेशन। मेरा नाम है काशिफ खान और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं अगस्त मंथ की सारी इंपॉर्टेंट लीगल अपडेट्स को। ये वीडियो आपके आने वाले कंपटीटिव एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला जो केस है हमारा वो है स्टेट ऑफ पंजाब वर्सेस द्रविंदर सिंह का। इस केस के फैक्ट की अगर हम बात करें तो 5 जजेस की बेंच ने यहाँ पर पूरे मामले को 2020 में 7 जजेस के पास रेफर किया था। और यहाँ पर ये जो सवाल आया था कि जो 2005 में केस का नाम है ईवी चिनैया वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश, जिसमें कहा गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि सब क्लासिफिकेशन एससी एसटी कैटेगरी में परमिसिबल नहीं है, उसको यहाँ पे कहा गया कि रीकंसीडर करने की ज़रूरत है। और सुप्रीम कोर्ट की 7 जजेज बेंच इस पूरे मामले को सुन रही थी और यहाँ पे यही सवाल था कि क्या एससी एसटी में सब क्लासिफिकेशन हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने 6:1 की मेजॉरिटी से कहा कि सब क्लासिफिकेशन पॉसिबल है और यहाँ पर एम्पेरिकल डाटा के बेसिस पे स्टेट जो है सब क्लासिफिकेशन कर सकता है एससी एसटी में। और यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि ये जो सब क्लासिफिकेशन होगा वो सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू होगा, मतलब कि इसको कोर्ट ऑफ लॉ में चैलेंज किया जा सकता है। और यहाँ पे जो डिसेंडिंग ओपिनियन था जस्टिस एम बेला त्रिवेदी का, उन्होंने कहा कि एससी एसटी जो कैटेगरी है वो एक होमोजेनियस क्लास है और यहाँ पे जो आर्टिकल 341 है उसके अंदर में किसी भी तरीके की छेड़छाड़ नहीं की जा सकती। नेक्स्ट केस की बात करें तो नेक्स्ट केस का नाम है वनिष्का यादव वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ये केस बेसिकली अगर हम बात करें तो नीट यूजी 2024 का जो एग्ज़ाम हुआ था उससे रिलेटेड है। आप सभी को मालूम होगा कि नीट यूजी में पेपर लीक के मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही थी। यहाँ पे बहुत सारी पिटीशन फाइल की गई थी और एक पिटीशन अलक पांडे, जिसको फिजिक्स वाला के नाम से भी आप जानते हैं, उन्होंने भी पिटीशन यहाँ पे फाइल की थी और उन्होंने कहा था कि बहुत सारा माल प्रैक्टिस और पेपर लीक का केसेस यहाँ पे हुए हैं जिसके वजह से एग्ज़ाम को कैंसिल करना चाहिए। नोटिस इशू किया गया था एनटीए को और गवर्नमेंट को और वहाँ पे बहुत दिनों तक ये मामला सुप्रीम कोर्ट में चला एंड फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने अपना जजमेंट सुना दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि यहाँ पे किसी भी तरीके की सिस्टमैटिक ब्रीच ऑफ सैंक्टिटी ऑफ नीट यूजी एग्जाम 2024 नहीं हुई है। पेपर लीक का मामला लिमिटेड एरिया में जैसे कि पटना और हजारीबाग में हुआ है, लेकिन यहाँ पे एग्जाम के रिजल्ट को ये विटिएट नहीं करता है। सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे यूनियन गवर्नमेंट को और एनटीए जो कि इस एग्ज़ाम को कंडक्ट कराती है उनको कहा कि आप सेवरल कमेटी बनाएं और ये कमेटी इंश्योर करेगी द इंटीग्रिटी ऑफ फ्यूचर एग्ज़ाम। जैसे कि बहुत सारी कमेटी में अगर हम बात करें तो इन्होंने कहा कि इवेल्यूशन कमेटी आप बनाएंगे, स्टैंडिंग ऑपरेशन प्रोसीजर कमेटी बनाएंगे, रिव्यू प्रोसेस फॉर अलोकेटिंग एग्जाम सेंटर की कमेटी आप बनाएंगे, सीसीटीवी मॉनिटरिंग कमेटी बनाएंगे, सिक्योर लॉजिस्टिक प्रोवाइडर की कमेटी बनाएंगे, ग्रीवियांस रेडलेशन कमेटी बनाएंगे। तो ये सारी कमेटी एक तरह से इस तरीके से काम करेगी जिससे हम इस एग्जाम की जो इंटीग्रिटी है उसको फ्यूचर में बचा सकें। आगे हम बात करें यहाँ पर तो जो नेक्स्ट केस है वो है सरगुजा सोसाइटी फॉर फास्ट जस्टिस वर्सेस इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। बेसिकली अगर हम बात करें तो यहाँ पर एक पिटीशन दायर की गई और रिट पिटीशन में कहा गया कि जो भी इलेक्शन कमीशन है हमारे उनको ये मना किया जाए कि वो किसी भी पार्टी को एक ऐसा इलेक्शन सिंबल ना दें जो कि ह्यूमन बॉडी पार्ट को रिसेंबल करता है। पिटीशन ने कहा कि ये मिसयूज़ हो सकता है और ये जो है अगेंस्ट मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के भी जाता है। इलेक्शन लॉ स्पेसिफिक रेफरेंस टू सिंबल लाइक हैंड, ये बेसिकली जो है वो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का एक में आ जाता है, बेसिकली कहने का इनका मतलब था। सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे के पूरे पिटीशन को रिफ्यूज़ कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऑब्जेक्ट ऑफ प्ली अपीयर टू टारगेट ए स्पेसिफिक सिंबल हैंड सिंबल, मतलब उनका कहना था कि भाई आप सीधा सीधा कांग्रेस को जो है वो निशाना यहाँ पे कर रहे हैं, इस तरीके की जो पिटीशन है हम यहाँ पर अलाउ नहीं कर सकते। अगर हम ऐसा अलाउ करेंगे और इस रीज़न पे अलाउ करेंगे तो आँख नाक इन सब चीज़ों को भी यहाँ पे एक्सक्लूड करना पड़ेगा। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने फर्स्ट इंस्टेंस में ही पूरी पिटीशन को डिसमिस कर दिया। आगे बात करें तो नेक्स्ट जो है केस किशोर चंद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का है। इस केस की अगर हम बात करें तो यहाँ पर बेसिकली डी लिमिटेशन जो है उसके रिगार्डिंग में एक केस था। यहाँ पर गुजरात में एक एरिया है दैट इज़ बारदोली लेजिस्लेटिव असेंबली, इसमें यहाँ पर जो लेजिस्लेटिव असेंबली है उसके एरिया को शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी के लिए रिजर्व रखा गया था, मतलब कि वहाँ से शेड्यूल कास्ट के ही लोग सिर्फ इलेक्शन लड़ सकते हैं। इस चीज़ को वहाँ पर चैलेंज किया गया लेकिन गुजरात हाईकोर्ट ने कहा कि आप डी लिमिटेशन को कभी भी जुडिशियल रिव्यू में नहीं डाल सकते, मतलब कि आप उसको चैलेंज जो है कभी भी कोर्ट ऑफ लॉ में जाके नहीं कर सकते। इसी चीज़ को सुप्रीम कोर्ट के पास लाया गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं ऐसा नहीं है, डिलिमिटेशन मैटर्स भी जो है जुडिशियल रिव्यू के परव्यू में आता है, कोर्ट जो है अपने जुडिशियल इंटरवेंशन कर सकती है। और यहाँ पर कोर्ट जो है वो अगर देखती है कि जो ये डिलिमिटेशन किया गया है वो आर्बिट्ररी है और मेलाफाइड एक्शन के थ्रू किया गया है तो इसका जो है वो जुडिशियल रिव्यू हो सकता है। देन नेक्स्ट केस है मनीष सिसोदिया वर्सेस डायरेक्टरेट ऑफ इन्फोर्समेंट एंड अदर्स। जैसे कि आप सभी को मालूम है कि मनीष सिसोदिया जो कि डिप्टी
चीफ मिनिस्टर फॉर्मर रह चुके हैं, आम आदमी पार्टी के बहुत बड़े लीडर हैं, इनको दिल्ली एक्साइज पॉलिसी स्कैम में जो है यहाँ पर अरेस्ट किया गया था। 18 महीने से ये जेल में थे, अब फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने इनको बेल दे दी गई है इस ग्राउंड पे कि इनका जो ट्रायल है वो बहुत डिले हो रहा था। तो आप सभी को मालूम है कि एक राइट है, राइट टू स्पीडी ट्रायल, हुसैन आरा खातून वाले केस में ये चीज़ सुप्रीम कोर्ट ने बहुत पहले हेल्ड की थी। तो इसी पॉइंट पर यहाँ पर इनको यहाँ पर बेल दी गई है मनीष सिसोदिया को, और इनको कहा गया है कि 10 लाख रुपये का ये जो है बॉन्ड जमा करेंगे। साथ ही साथ इनको ये भी कहा गया है कि ये जो है किसी भी तरीके से एविडेंस को टैम्पर नहीं करेंगे, इंडिया को छोड़ के नहीं जाएंगे, इनको अपना पासपोर्ट सरेंडर करने के लिए कहा गया है, हर मंडे को इनको इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर से मिलना है, और किसी भी तरीके से विटनेस को ये इन्फ्लुएंस नहीं करेंगे। इन सारी कंडीशन के साथ मनीष सिसोदिया को फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने राहत दे दी है। आगे बात करें, नेक्स्ट केस है जैनब अब्दुल कयूम चौधरी वर्सेस चैम्बर थ्रोबे एजुकेशन सोसाइटी एंड अदर्स। बेसिकली ये बॉम्बे का केस है, बॉम्बे में आपको मालूम होगा कि प्राइवेट कॉलेज में हिजाब, नकाब, बुरखा, कैब, बैजेस, इन सबको जो है बैन किया गया था। तो इसी चीज़ को जो है सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया, और बेसिकली अगर हम बात करें तो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे जजमेंट में दो पार्ट बताए। सुप्रीम कोर्ट ने कुछ चीज़ों को कहा है कि बैन जो है वो सही है, और जो हाई कोर्ट ने जिसको कंफर्म किया था उसको भी सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे सही बोला। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हिजाब, कैप और बैजेस का जो बैनिंग है वो यहाँ पे गलत है, और उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया, लेकिन बुरखा और नकाब के ऊपर यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने बैन को बरकरार रखा है। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये जो है एक तरह से जो कॉलेजेस हैं उनके राइट टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है उसके अंदर में आता है, लेकिन हिजाब, कैप और बैजेस जो है वो आपके फंडामेंटल राइट ऑफ स्टूडेंट्स में आते हैं, तो इसलिए उनको आप बैन नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे जो ऑर्डर है उसके मिसयूज पे अगर किया जाएगा तो उसके ऊपर भी स्ट्रिक्ट एक्शन लेने की बात यहाँ पे कही है। जो आखिरी केस है हमारा वो है गौतम कुमार वर्सेस एनसीटी ऑफ दिल्ली। इस ये केस बेसिकली आपका गार्जियनशिप से रिलेटेड है। यहाँ पे एक पर्सन था जिसकी वाइफ कोविड में डेथ हो जाती है उसकी, और उसके बाद उसके जो दोनों बच्चे हैं वो सिस्टर इन लॉ, उसकी जो सिस्टर इन लॉ है उनके पास रख दिए जाते हैं। अब कुछ टाइम तक सिस्टर इन लॉ उस बच्चों को रखती है, उसमें से जो लड़का रहता है उसको वो रिटर्न कर देती है, बट लड़की को वो रिटर्न नहीं करती। यहाँ पर फादर जो है वो कोर्ट में जाता है, वो कहता है कि मेरा बच्चा है, मुझे उसकी कस्टडी मिलनी चाहिए एज अ नेचुरल गार्जियन, लेकिन उसकी कस्टडी को डिनाई कर दिया जाता है। मामला सुप्रीम कोर्ट पहुँचता है, सुप्रीम कोर्ट ये कहती कि नेचुरल गार्जियन के राइट को कभी भी डिनाई नहीं किया जा सकता, मेरली बिकॉज कि कुछ टाइम के लिए बच्चे को किसी और की कस्टडी में या कुछ साल के लिए बच्चे को किसी और की कस्टडी में रखा गया था। हमेशा जो है नेचुरल गार्जियन का राइट और बच्चे का जो वेलफेयर है दैट विल बी कंसिडर्ड एज पैरामाउंट व्हेनेवर द क्वेश्चन अराइज एज टू गार्जियनशिप। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो हाई कोर्ट का ऑर्डर था जिन्होंने वो फादर के राइट को देने से, फादर को गार्जियनशिप देने से मना कर दिया था, उसको सेट असाइड किया, कॉश कर दिया, और सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे फादर को गार्जियनशिप जो लड़की है उसकी बेसिकली यहाँ पे दे दी। तो बेसिकली ये था आज का हमारा वीडियो। आई होप इन वीडियो में आपको सारी इंपॉर्टेंट लीगल अपडेट अच्छे से क्लियर हो गई होगी। फिर भी कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, हम आपके डाउट को क्लियर करने की पूरी कोशिश करेंगे। पूरी मैगजीन जो है एक डिटेल मैगजीन हम इसकी बनाते रहते हैं लीगल अपडेट्स की, करंट अफेयर की, वो हमारी वेबसाइट पर अवेलेबल करा दी जाती है, आप उसको वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मिलते हैं ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।